अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इकबाल हो, दाम हो, आप सोचते होंगे ये क्या चीज़ दिखा रहे हो आप, शर्म है, यहाँ नहीं आती, कब्र में टांगे। ये बताना था वो जो बिलियन ट्रिलियन लेती दीपिका पाडकोन, पॉडकॉन इंडियन अदाकारा जो रागी जेंट भी है और वगैरह वगैरह भी है, उसकी नस्बत ये झुगी वाली है, ये उससे अच्छा डांस कर रही। उसको तो पता नहीं कितने डांस डायरेक्टर करवाते हैं, उसकी बॉडी भी बड़ी लंबी है तो डांस में नहीं आती। तो ये मैंने झुग्गी आली में झुग्गियों के दीपिका पाडुकोण आपको दिखाई थी, इंडिया की है। अच्छा जी, हमारा एक जो सेगमेंट है ना वो स्पेशल एपिसोड है, और इसमें जो है ना आप देखेंगे कि निगेबान पाकिस्तान मैं कुर्बान इमरान खान बिहाइंड द वॉल भी चलता पिया जी। तो उम्मीद है कि अब मैं भी बंदे का पुत्र बन गया तो वो भी बन जाएंगे, कर्नल साहब भी बंदे का पुत्र बन जाएंगे। हमारी स्टार्ट होता है जी, ये हुआ चाहता है। स्ट्राइक लग जानी है, फिर भी बाजा सुना दिया आपको, ओरिजिनल दिखा दिए, पता नहीं अल्लाह करे बच बच आ जाए, ना आए तो डिलीट कर देंगे, फिर ये वार्निंग आती है फिर पे डेड कर देते। ये हमारे जवान है जी, ये कितना साल का लेते हैं जी हमारे से, ये पता है ना 8 बिलियन पाक रुपी लेते हैं ये बजट अपना, क्या जी हमें तो हमने दफाई अखराजात पे वह लगाना लगाना, तो पुराने ज़माने के बेचारे के ऊपर रखे हुए बूस्टर लगाए हुए, वैसे दुनिया कहाँ जी 5 6 पे चली गई, ये अभी भी वहाँ पर नादरान एरिया तोराया, टेलीफोन नहीं लेके दे सकते इनको, हैं जी। तो ये इतना बजट कहाँ जाता है। ताज़ा तरीन अभी जो बाजवा ने 900 बिलियन का असला बेचा था अमेरिका को, जो यूक्रेन में चला, 1 रुपया नहीं जो पाकिस्तान आया, वहाँ पर वोचर में लगा हुआ है कि वो जो अम्बेसियों के ड्यूज पेमेंट थे उनके उधार थे तो वो सैलरियाँ दे दिला गई, 1 रुपया नहीं जी आया। वो बेल्जियम चला गया, तो मेरा ख्याल है अमेरिका में कहाँ पे ये ढक्कन बना रहा है अपने कोटियाँ बंगले, कहाँ कौन सा जजीरा खरीद रहा, ये वहाँ पर चला गया। अभी भी ये देखा चाइना और इंडिया ने, वहाँ ये ऐलान नहीं कि चल भी तो पूरा बूस्टर चुके तो टोरपा वायरलेस ना ना, उन्होंने वहाँ पे जो जंगल में बर्फानी पहाड़ों के ऊपर G4, G5, G6 जो भी होएगा दिया, और उन्होंने वो जिन्होंने किलों से इंडिया फौज को मारा था उनको ये बना के दिए में तुराया टेलीफोन जो हर जगह चलता है, और सुनने में आया कि वगैरह वगैरह ये नहीं चलता, वो क्या उसको कहते हैं, बगिंग नहीं होता, सुनने में आया मुझे नहीं पता, महंगा इतना बड़ा है। अलबत्ता देखा ज़रूर था जो बड़े पीर साहब पगाड़ा साहब थे ना, उनका था, तो वो एक दो कोठी पे गए उनके, तो राव मसूद साहब ने जाना था, उनकी कदम बोसी करने गालियां देते हुए गए, तो वहाँ पे भी देखा, तो मैंने कहा था राव साहब मैं पकड़ के देख लूँ कितना का वजनी होता क्या होता, वो डब्बा सा था उस वक्त, ये बात कर रहे हैं गालबन 79-80 या 81 की बात है वगैरह वगैरह, यहाँ पे तो हो गए थे, ये खाई जा रहे हैं हमारे और आपके पैसे, स्पेशल प्रोजेक्ट है। किसी ने कहा था जी वो मेहर से आल को रियलिटी नहीं मिलने, वो बेचारा शायद मरेगा, ये ताहिर खान किस तरह देगा, वो तो घर में ही को मशीन हो तो आगे भेज देता, इतना लालचिएगा वगैरह वगैरह, तो उसको मिलना चाहिए। इंडिया में ये कानून है, रियलिटी मिलती, कोर्ट आज़ाद है, फौरन झटका करते हैं जज, इस मामले में वो कहते हैं यार ये 1-2 पेशी में चुटकी बजाते हैं फैसला करो, वो रियलिटी देते हैं, वो फिर फोन करके भी कहते हैं जिस तरह रियलिटी मिली थी ना, वो जो एक चांद एंकर पर्सन है कराची में, सिंध में किसी चैनल में,
जिन्होंने दबंग में उसने उसका चोरी किया था डायलॉग, ये लोग ईद पे जा रहे वगैरह वगैरह, वो चुप करके चांद भाई लपेट गए, इंडियन एम्बेसी में जा कर लिख के दे के आए हैं, तो वहाँ से 25-30 लाख रुपया रियलिटी ले ली है उन्होंने। अब मैं रिजात सियाल वो चाहें तो जो 25 लाख का जो बेचा अपना नाम बेचा उससे ले दे, मलकू दे, मलकू कह रहा मेरी इज्जत का तो पूरा इंटरव्यू है, मेरी इज्जत करता तो मेरी ये थे मेरी वो वगैरह वगैरह। मलकू ने एक लाहौर में दफ्तर खोला जहाँ पे वो एडिट करते हैं, लड़के लड़कियाँ भर्ती कर ले आओ इसी लाइन के, एक फैसलाबाद में खोला, तो वो अपना रिकॉर्ड करके तो भेज देते हैं। तनकरीब जो इनकी जोड़ी टूटने वाली भी है क्या, सायरा अल्ताफ जो है ना जो साथ दिए गाती, वो मोहम्मद लगन वाली नहीं लेकिन उसकी उसकी भी शादियों पे जा रही, बुकिंग करती भी बड़ी बड़ी शादियों में, हराम का पैसा इतना आया पिछले 2 साल में, तो फिर तो ये चलना ही है ना, हराम का पैसा तो इस तरह ही चलना है ना, मुँह ना मत्था जैन पाड़ा लता बस चल पड़ी। मलकू को भी खान की जाग लगी हुई है, वरना उससे पहले क्या था पता नहीं कब का चैनल बना हुआ उसका, तो 6,000 सब्सक्राइबर और फुल टाइम जॉब ये करता था। अब उसने बकायदा एडिटिंग और सब कुछ प्रोफेशनल रख लिए हैं, और उसमें जो इमरान रियाज खान के जो बेचारे बच्चे बच्चियां धक्के खा रहे थे वो भी उधर चले गए, नए नए पौधे आए हुए हैं, तो वो पीटीआई को भी सपोर्ट करते हैं, उन्होंने खुद ही सीख सूख लिया, तो कईयों के पास कुछ था नहीं तो उन्होंने लैपटॉप वगैरह ले कर दिए मलकू ने, तो दफ्तर सेटअप बना लिया है, पैसे आ गए ना, और अच्छी अच्छी देखोगे अगर कोई खान का ये काबू आ गया उसके अलावा ये भी सिलसिला चलेगा। अच्छा जी फिर क्या है, शुएब शाहीन तीली रात दफा करो इन्हों को, आग लगा दो इसको सारे, ये लाइबा उमर डार आ गई है मार्केट में, तो लोग उसको कह रहे हैं अभी नंबर डार, वो उमर डार ने कहा चल अपनी बेटी लाहौर की पढ़ी लिखी है सियालकोट में कम ही रही, जवान 20-22 साल की है, वो जिना पहली वो लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा मैं गया नहीं करे रॉन्ग नंबर है, उमर डार को उन्होंने जब डंडा चाड़ा तो उन्होंने बेटी के देखीर पे वो जीत जूत जाएगी तो फिर चल गया। अभी हमारा जो पेंडिंग प्रोग्राम है ना वो अख्तर मेंगल और जुबैर उमर का जो है ना इंटरव्यू वगैरह वो भी चलने हैं, वो भी मतलब हम निकालेंगे पूरे पार के साथ है। एक और भी चलना है, एक और ये भी दे रहे अब आए हैं तो फिर आपको पूरा पूरा सुना के जाएगा। ये मैंने शुरू में दिखाना था, मैं डरता रहा कि लग गई नहीं कुछ स्ट्राइक, $900 मिलियन CNN बता रहा है कि ये असला इन्होंने बेचा बाजवे ने और यूक्रेन में चल रहा है, वो $900 मिलियन वो पहले वजाहत कर सका, वो एक रुपया नहीं जो पाकिस्तान आया किधर चला गया, कोई होएगा तो करना है, उसके बाद उसी की लेजेसी लेके ये मुनीरा टक्कन चल रहा है बजाय हलाल का नुतफा होता तो फिर ये कहता है यार पहले $900 मिलियन की इंक्वायरी कराओ, वहाँ पे जज बताता आपके फुल कोर्ट करते हो और बगैर तो कंजरे हो दल्ले हो रामी हो कुत्ते के बच्चों इधर आओ, सारे जजों को बुलाता बीच में 2-3 कुतियाँ भी कि ये इसका फैसला करो, 9 मिलियन की तरफ बाजवे को नज़रबंद करो और पुठा लटकाओ नदीम अंजुम को और बाजवे को, ये किधर गया पाकिस्तान का पैसा, असला तो उधर चला गया, फिर और पैसे दे डिमांड आई असला भेज रहे, भाई बेचते रहे हो पैसे किधर गए ने, इसको मैंने कहा यहीं पे क्लोज कर ले गुस्से में, फिर और भी गाली गलोच पे ना आ जाओ कर लेंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी शुरू हो गए, खुरम खोसा भी छुट गया, बुशरा बीबी के भी जो है ना इस वीक में या अगले वीक में अगर ना डील की वगैरह वगैरह, तो इस तरह करके चल रहा है। तो बस जब इतना सख्त पैगाम जो आज की ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने दी है उसमें देख लीजिए क्या 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 चल रहा है। एक बात वही है, खान नशा करता बत्ती बना के दे दियो जी, खान यहूदियों का एजेंट है, वो कुरान के 3 ख़त्म कर बैठा, नमाजें भी 6-6 पढ़ रहा और वगैरह वगैरह, खान जादू टोना करता इनके मुंह पे गोबर भरा थप्पड़ मारने चाहिए, जो ये कहते थे मरियम औरंगजेब मरियम नवाज शरीफ राणा और भी जो लोग इस तरह के इल्ज़ाम लगाते थे उनके मुंह पे गोबर में हाथ डुबाओगे ना, पाथी जो करते हैं वो सुबह उसी के बीबी मेरी पहना इसके मुँह के ऊपर मार,
पाकिस्तान जिंदाबाद।